हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के 9:30 बजे हैं और चाय बनाने के बाद किचन करूँगी क्लीन आज। फिर उसके बाद कल कमरे का देखूँगी, कमरा जो है उसे साफ करूँगी। आ जाइए चाय पीने, पहले चाय पी लूँ। नीचे का तो सामान पूरा बाहर पहुँच गया। अब ये डिब्बी डिब्बा है जो किचन के, ये निकालूंगी। बर्तन भी पड़े हैं, सच में सारा कुछ पड़ा। ए क्या, पहले चाय उसके बाद करूंगी काम। चाय पी उसके बाद सारे जो थे किचन में, डिब्बा नीचे सिलेंडर सारा बाहर निकाल के रखा हस्बैंड ने। और जो बर्तन सुबह से पड़े थे, सुबह के चाय आए बनाई और सुबह पराठे बनाए थे, तो ये साफ किए क्योंकि जगह हो जाए थोड़ी। डिब्बा डिब्बा साफ करूँगी। ये निकाल रहे हैं अभी किचन के डिब्बा। एक डिब्बा पकड़ो नीचे ले पर लगे थे, थोड़ा फोन मैंने हाथ में पकड़ लिया था। वो सच में इतने गंदे थे डिब्बा, क्या बताऊँ। क्योंकि खाना आना बनता है तो सारा जो है उसी के अंदर ही जाता है सारा कुछ। और यहाँ पे खड़े होके कर रही थी साफ, क्योंकि बर्तन वर्तन थे पूरी स्लिप कर दी खाली। उसके बाद ही बर्तन धुल के बाहर रख दिए थे। बर्तन फिर से दोबारा धुलने पड़े क्योंकि धूल मिट्टी जगह तो थी नहीं, बाहर ही रखे थे। तो जितना किचन का साफ किया टाँ से ऊपर से पूरा, तो मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा हुई थी। और उसके बाद पूरी खाली कर दी और जो बर्तन थे उसमें वो भी सारे साफ किए। उसके बाद ये जो टाइलें हैं ये भी, हस्बैंड भी लगे थे, मैं भी लगी थी। थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा थोड़ा सूट किया था, तो थोड़ा हस्बैंड ने पकड़ लिया। और यहाँ पे बोर्ड में मुझे करंट भी लग गया इतने तेज, क्योंकि इसमें चला गया अंदर पानी जब सफाई वफाई करती। उसके बाद मैंने चार्ज के लिए फ़ोन लगाया, जब सामान पूरा सेट कर दिया उसके बाद तो इसमें करंट आ गया था। और किचन पूरी क्लीन हो गई। थोड़ा ही मैंने शूट किया था, आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता। उसके अलावा काम तो बहुत, अगर कुछ भी करो तो काम तो काफ़ी टाइम लग जाता है करने में। और सारे डिब्बा एकदम चमकदार हो गए और टाइलें भी देख सकते हैं। उजाला इतना नहीं है पर बहुत साफ था, कैमरे में इतना नहीं हो रहा। और सामान बाहर इतना पड़ा है वो जो अब अंदर पूरा किचन सूख जाएगी, उसके बाद सारा अंदर लगाऊंगी। और जो ये डिब्बा है जो, तो गुड आफ्टरनून सभी को, क्योंकि दोपहर हो गई, 2 बज गए। नहाया, अभी जाके फ्री हुई हूँ। सच में थक गई बहुत ज़्यादा, खाना बिल्कुल ना नाश्ता बना ना कुछ, सिर्फ चाय पी थी सुबह यहाँ। अरे नहाया, पूजा की, उसके बाद दाल चढ़ा के आई, चावल बनने रख के आई। चावल तो बन गए, मैंने सोचा वीडियो भी फिर से दोबारा से आप लोगों से थोड़ा और शेयर कर दूँ, फिर नहीं तो बड़ा हो जाएगा। पूरी सफाई की, झाड़ू पोंछा लगाया, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे पूरी किचन क्लीन हो गई। यहाँ पे चावल बना के रखे, बन गए चावल, दाल भी बन गई। गैस कर दी बंद, तड़का लगाऊंगी इसमें। आटा गूंद के रख लिया, ये सुबह आटा तो गूंदा था क्योंकि सुबह लड़की गई, तो उसके लिए 2 आलू भरे पराठे बनाए थे। और ये आटा है तो इसकी 2-3 रोटी बनाऊँगी, तो आप लोग बने रहना, फटाफट से बना लूँ। जो डिब्बा डिब्बा थे बाहर वो सारे साफ किए बाथरूम में जाके, फिर ऊपर रख के आए थे। बड़े जो डिब्बा थे, एक 50 लीटर का था और 20 लीटर का था, ये सारे ऊपर रख के आई थी। पूरा सुखाया, जो बाल्टी वाल्टी आटा की थी सामान था वो पूरा साफ किया। उसके बाद किचन पूरी साफ करने के बाद सूख गई। उसके बाद अंदर सारा सामान लगाया, फिर नहाया पूजा की और उसके बाद फिर खाना बनाया। तो टाइम तो काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे। और यहाँ पर मैंने दाल और चावल और रोटी बनाऊंगी, तो चावल तो बना लिए थे, दाल भी बन गई थी। उसके बाद आप लोगों से मिले थे, थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप लिया था। और ये मोटी मिर्ची जो रखी थी इसमें
तड़का लगा दूंगी। तड़का क्या, थोड़ा तेल डाला, इसमें जीरा डाल दिया और जो मोटी मिर्ची थी काट ली थी ये डाल दिया। फ्राई कर लूँगी, उसके बाद नींबू डालूँगी नीचे, जब हो जाएगा उसके बाद जब पलट लूँगी उसमें नींबू डाल के, अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर रही थी, और कुछ कैमरा भी वो वीडियो भी मैंने फास्ट किया है, उसके अलावा हाथ भी मैं थोड़ा जल्दी चला रही थी क्योंकि भूख लगी थी सभी को बहुत तेज। तो यही है, उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन मोबाइल में जितना वीडियो में देखा है लेकिन टाइम बहुत लगा, 9:30 से 2 बज गए थे। खाना आना बना खाया, पूरा 3 हो गए थे, बहुत थकान हो गई थी। लेकिन कमरा आज दूसरे दिन मैं आवाज़ डाल रही हूँ, कमरा आज नहीं किया क्योंकि आज सुबह से लाइट चली गई थी भाई 2-2.5 घंटे के बाद, तो इसीलिए नहीं किया। अब ये दूसरे दिन करूँगी, थोड़ा बहुत आप लोगों से उसमें भी शेयर करूँगी। सफाई तो करनी है, दीपावली ये सभी के घर में होती है और वैसे भी साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए, लेकिन हम लोग रोज़ नहीं करते हैं, रोज़ तो कोई नहीं करता है, लेकिन त्यौहार होते हैं तो त्यौहार के बहाने सफाई भी हो जाती है। तो अच्छा लगता है, किचन एकदम बढ़िया हो गई। वैसे भी मेरी किचन हमेशा मैं साफ़ ही रखती हूँ, टाइलें आइलें साफ़ ही रहती हैं, पर यह है कि रोज़ सामान और रोज़ डिब्बा तो नहीं निकल के साफ होते हैं, ये तो त्यौहार पे ही होते हैं, 1-2 महीने में कर लो। वैसे मैं पहले तो कर लेती थी 1 महीने के अंदर, लेकिन अब जब से यूट्यूब पे काम करती हूँ थोड़ा आलस भी लगने लगा, काम इसमें भी हो जाता काफ़ी, इस वजह से नहीं तो 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में करनी चाहिए किचन की पूरी क्लीनिंग। और यहाँ पे तड़का लगा दूंगी दाल में, इसमें तेल डाला, जीरा डाल दूंगी, हींग, प्याज आज कचरा, टमाटर नहीं थे तो टमाटर नहीं डाले, फिर भी अच्छी बन गई थी। और भूख में तो सब अच्छा लगता है, मैं सच बताऊँ, तेज भूख लगी हो और फटाफट बनाओ सब कुछ अच्छा लगता है, गरम गरम खाना। तो यही है आज का, और अब तो दीपावली के ज़्यादा दिन नहीं है, 3 दिन है, 22 तारीख की धनतेरस, उसके बाद 23 की नरक चौदस है, 24 की दीपावली है और 25 तारीख को ग्रहण लगेगा। तो लग रहा मुझे उस दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी, शायद 27 तारीख को होगी जहाँ तक। और मैंने तड़का लगाया तो दाल के छींटे पड़ गए थे टाइलों में, तुरंत मैंने साफ़ किए नहीं, तो इतनी साफ़ है तो ऐसा लगता है एकदम चमकदार ही रहे। कैमरे में साफ बिल्कुल इतना नहीं आ रहा, टाइलें भी साफ़ नहीं दिख रही इतनी, क्योंकि उजाला पता नहीं क्यों नहीं हो रहा इतना। और रोटी बना लूँगी, आटा गूंथा रखा था तो 2 बनाई थी रोटी, आटा 2 ही का था, आटा दोबारा नहीं गूंथा क्योंकि चावल रखे थे तो उनके लिए 2 हो जाएंगी और चावल खा लेंगे। तो यही है, रोटी वोटी बन गई है, उसके बाद अब खाना लगा लूँगी, बच्चे भी हैं घर में, लड़की तो पेपर देने गई थी वो भी आ गई, और लड़का तो घर में था उसकी भी छुट्टी है, एक दिन वो रहता है घर में, दूसरे दिन उसकी पेपर होते हैं। और ऐसे हो गया तैयार, आप लोग भी आ जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी बना लिया, सभी लोग खाएंगे, बजे हैं 2:30 बन गए, दाल और चावल तो बन गए थे, उसके बाद तड़का लगा एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, जो भी चैनल पे आते हैं न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।